नागवंश की राजकुमारी होकर एक इंसान से शादी कर रही हो क्या गया तुम्हें? प्यार हुआ है मुझे। तू इसकी बातों में कैसे आ सकती है बेटा? तू भूल रही है कि 100 साल की घोर तपस्या के बाद तुझे इच्छाधारी नागिन होने का वरदान प्राप्त हुआ है। इन इंसानों के बीच रहने की इजाज़त मिली है, मगर इजाज़त सिर्फ इन इंसानों के बीच रहने की, इनसे प्यार करने की नहीं। जब से तू यहाँ आई है, वहाँ नागलोक में हलचल मच गई है। ऐसा ना हो कि वो तुझे कोई श्राप दे दे। मुझे परवाह नहीं। 25 सालों के लिए तू वापस तपस्या में चली जाएगी, एक साधारण इंसान बन जाएगी तू। इस शादी के बाद जब तू माँ बनेगी ना, तो धीरे धीरे तेरी सारी इच्छाधारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी, और जिस दिन चांद अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में आएगा और उस पर राहु और केतु का साया होगा, ठीक उसी दिन तेरी सारी शक्तियाँ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, और चाहते हुए भी तू अपना नागिन रूप कभी नहीं धारण कर पाएगी। तेरी संतान भी जन्म से इच्छाधारी नागिन नहीं होगी। 25 साल पूरे होने तक उसे भी इंतजार करना होगा अपने नागिन रूप में आने के लिए। चांद का अपने अश्लेषा नक्षत्र में आने का और अपने चरण में जाने का इंतजार। प्यार में तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है माँ, और उन 100 सालों के बदले में 7 जन्मों का साथ मिल रहा है मुझे, उस इंसान का साथ जिससे मैं सच्चा प्यार करती हूँ। और मेरे लिए प्यार सबसे बड़ा है माँ। और एक इंसान की शादी का बंधन इस दुनिया के लिए सबसे कहर वाला बंधन होता है। देखिए, मैंने हमारे नागलोक का मान रखा है। अगर मैं चाहती ना तो उस लाल टीकरी के मंदिर में भी शादी कर सकती थी, लेकिन मुझे पता है वो स्वयं वो मंदिर हमारे लिए क्या मायने रखता है। उसकी बाहर जो मूर्तियाँ है वो खबरदार, जो तूने उन लोगों और हमारे शिव मंदिर के बारे में इसके सामने कुछ कहा तो नागलोक की परंपरा तोड़ी है तूने। तेरी संतान होने के बाद जिस दिन जिस पहर तुझ पर अश्लेषा नक्षत्र का कहर टूटेगा ना, उसी वक्त तेरी सारी इच्छाधारी शक्तियाँ नाश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तू रोएगी, चिल्लाएगी, भोलेनाथ के आगे गिड़गिड़ाएगी, लेकिन तब भी हम जैसे नहीं बन पाएगी। उस दिन भोलेनाथ भी तेरी नहीं सुनेंगे। खुश रहो, सुखी रहो। गुड़िया रानी, ये आकाश जी है। ये आपके पापा के बड़े भाई के समान है, यानी कि आपके मोटा पापा। बड़े होके आप भी इन्हें मोटा पापा ही कहना। अच्छा केशव। हाँ जी। हम लोग चले? मैं तो तुम्हारे घर का छोटा सा मुलाजिम हूँ, और बाकी घर वाले घर पर तैयारी कर रहे हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आकाश के परिवार वाले हमारे साथ ऐसा करेंगे। मुझे नाना भाई, नाना भाई, नाना भाई क्या क्या बुलाते थे ये सब, मेरे परिवार की तरह थे ये लोग, और आज यही लोग हमारे साथ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? जरूर वहां कूलीगिरी कर रहे हैं। हाँ। हो गई धुलाई? किसकी धुलाई? धुलाई नहीं, ढ धुलाई। केशव का सामान ढो रहे हो ना आप? नीचे रखिए, नौकर नहीं हो आप। सचमुच आप तक 20-20 खेलते ही रह जाओगे, कभी अपनी 20% पार्टनरशिप को 100% में नहीं बदल पाओगे, कभी नहीं। क्या बोला? मैं कह रही थी कि आपने मुझे जिस काम से इस घर में बुलाया मैंने कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ वैशाली, नाना भाई के बच्चे घर आ रहे हैं, और वो भी अपनी बच्ची के साथ। पर हमें ये पता नहीं था कि आज हमारी जिंदगी बदलने वाली थी, अश्लेषा नक्षत्र वापस आने वाला था। अगर वो अपनी बेटी को घर ला रहे हैं तो ये आपके बेटे के लिए ही बहुत बुरा है। भाभी भाभी भाभी, आपका प्यारा देवर यहीं पर है, ये क्या हुक्म है? क्या रसिक भाई, आप तो ताने मत मारिए। इस घर में अगर मेरा हुक्म चलता तो मेरे पैर में ये चप्पल नहीं सोने की जूती होती। चिंता ना थी भाभी, चिंता ना थी। मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे वो तेज माल की नुमा। इतना तेज मत बोलिए, कोई सुन लेगा। आज कौन सुनेगा? नाना भाई और उनके परिवार को तो हमने रवाना कर। मिल लो भाई, सारे नाना भाई यही है। मुंबई के इतने बड़े और पहुंचे हुए बिजनेसमैन देखो आज कहाँ पहुंच गए, अटोर आके एक छोटे से गोडाउन में। छी 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 छी, तुम्हारा बेटा केशव अगर तुम्हें ऐसे दिखेगा ना तो वो बेचारा तो सदमे से ही मर जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ वक्त है। ए बुढ़ाऊ, जान प्यारी है तो सीधे सीधे बता दे, उस लाल टेकड़ी के मंदिर का क्या राज है? बा
हाँ बेटा। दूध इसमें ना केसर है। अच्छा। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। हाँ, और नींद के साथ साथ आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे। वो तो मुझे आते ही नहीं, तेरी बीवी दिन भर घंटी जो बजाती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बा, जय श्री कृष्ण दीदी। हे भगवान, मेरी लिली को कभी मेरे पति जैसा सिली मत बनाना। मेरी मिली को कभी मंगल दोष ना देना, और मेरे हार्दिक की, मेरे हार्दिक को कभी कोई गर्लफ्रेंड ना देना। केतकी दीदी, मेरे हर्ष पर्स के लिए भी कुछ मांग लो ना प्लीज। मैंने सुना है कि जब इतने बड़े घर से मांगो तो भगवान बहुत जल्दी देता है। ऐसा है तो केतकी भाभी, मेरे मानसपुर गीतांजलि के लिए ना सबसे पहले घंटी बजा देना, और भगवान जी से ये भी कह देना कि इस पारिक खानदान की सबसे प्यारी फेवरेट और इकलौती बेटी मैं हूँ। कोर्स ख्याति दीदी, यहाँ सबकी फेवरेट आप ही तो हो। नहीं नहीं, मेरा फेवरेट तो मेरा पोता सिर्फ देव है। अरे क्या आप लोग सब मेरी बा को परेशान कर रहे हो। हाँ बा, सही कहा ना मैंने? बा, आप जाके आराम कर लीजिए, केशव भाई आएंगे तो आपको ढेर सारी बातें करनी है ना। जय, चलिए बा, जब सब आएंगे तो मैं आपको घड़ी देख के उठा दूंगी। अरे ये गाड़ी बंद कैसे हो गई? हटो, तुम स्टार्ट लो। अरे सर, स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे कैसे होगी, इसका फ्यूज जो जला हुआ है। आकाश भाई, केशव, मैं जरा दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त करके आता हूँ, ये गाड़ी नहीं चलेगी, शायद कोई किराए पर मिल जाए। यहाँ दूर दूर तक आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। हाँ भाई साहब, ऊंट चलेगा? नहीं नहीं, मैं ऊंट का इंतजाम कर सकता हूँ। मान्यता को और बेबी को तकलीफ होगी। आकाश भाई चलते हैं ना ऊंट में, वैसे भी गुड़िया को हवा लगेगी तो आराम ही मिलेगा। हाँ चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ ऊंट लेके आओ, जाओ तीन ऊंट लेके आना। जी साहब। वो लोग स्टेशन पहुँच गए होंगे। हेलो, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। आकाश जी बड़े ही भोले हैं, उनको लगता है कि यहाँ से सब लोग एक साथ निकलेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं तीन की जगह दो ही ऊंट लाने वाला हूँ। चार पचपन होने को है, बस थोड़ी देर और, उसके बाद केशव और उसकी पत्नी सुमसान रेगिस्तान में बिल्कुल अकेले। वो सब ठीक है, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे ऊंट लाल टेकड़ी मंदिर के रास्ते से ही जाए, क्योंकि जो भी होना है वही होना है। वो लाल टेकड़ी मंदिर होगा तभी हमारा प्लान कामयाब होगा। इस मंदिर के राज के लिए तो सालों से नाना भाई और उनके परिवार की गुलामी करते आए हैं। आज अश्लेषा नक्षत्र, उनकी तबाही होगी और हमारी ताकत बढ़ेगी। ये राज आज ही पता चल सकता है, इन लोगों का और नागों के बीच क्या संबंध है। नाना भाई, हमें बस वो राज जानना है, लाल टेकड़ी मंदिर का राज। वो तो तुम्हें पता चलने से रहा, पर आकाश को तुम्हारी हरकतों का पता जरूर चलेगा। आकाश कहाँ है यहाँ, वो तो आप ही के बाल बच्चों को लेने गए हैं। चलो अच्छा है, वो सब आ रहे हैं, मौत के मुंह में आ रहे हैं वो सब। अगर हम सबको कुछ हुआ ना तो तू कुछ नहीं कर पाएगा साले। वो दिन भूल जा जब हम तेरे नौकर हुआ करते थे, अब हमें अमीर और ताकतवर बनने का तरीका आ गया है। आप तो बस हमें उस लाल टिकली वाले मंदिर का राज बता दो, कौन था वो परिवार, बोल साले बुढ़े, वरना तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा। जो करना है कर लो तुम लोग, मैं तुम्हें उस मंदिर का राज नहीं बताऊंगा, मुझे मारना है तो मार दो तुम लोग। खुशखबरी, आकाश भाई केशव को लेकर निकल गए। चलो भाभी, पहले केशव को ही मार देते फिर उसके बच्चे को। प्लीज मेरे केशव, उसके परिवार से दूर रहना, तुम लोगों को मारना है ना, जान लेनी है तो मेरी जान ले लो, पर मेरे बहू बेटे और उसके बच्चे से दूर रहना तुम लोग। नाना भाई नाना भाई, हम भी ऐसा नहीं करना चाहते, पर आप हमें मजबूर मत करो। इरा, देखो नाना भाई, टूटी हुई हड्डियों के साथ आप ऊपर जाओगे अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, प्लीज हमारे साथ लड़ाई मत करो, आप नहीं जीत सकते। वैसे भी हमारा मुकाबला करने के लिए आपकी बहू है ना, सुना है बड़े ही स्पेशल पावर्स है उसके पास, तो आज देखते हैं अपनी खास शक्तियों से वो मौत से कैसे बचती है। बहुत बोलता है ना तू। विशाली, तुम्हारे पति को मैंने अपने बेटे की तरह रखा है, अपने बच्चे की तरह, हमारे भलाई का ऐसा बुरा सिला मत दो विशाली। मेरे केशव और उसकी फैमिली से दूर रहो तुम, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ विशाली, जानती हो ना उसकी शादी अभी अभी हुई है। जानती हूँ, सब जानती हूँ, और आपकी बहू के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। वैसे वो है क्या, मैं जानना चाहती हूँ आपने उसे घर से क्यों निकाला था, और अब निकाला ही था तो ऐसा क्या हो गया अचानक?
जो उसे अपना रहे हो। अरे बोलो ना नाना भाई, क्यों पका रहे हो, मेरी दीदी को क्यों सता रहे हो? इसको तो मैं अभी ऐसे ठीक करूंगा। बोलो ना, अपनी मौत को बुला रहे हो? लाल टेकड़ी का राज बताओ, वरना उसी लाल टेकड़ी के सामने सबको मार डालूंगी। नहीं बताऊंगा मैं, पढ़ता बन जाऊंगा। आज की रात कयामत की रात होगी, तुम्हारी दौलत ही नहीं तुम्हारी जान भी लेंगे हम। हम अपने ही लोगों के पास जा रहे हैं, अपने ही परिवार के पास। केशव हीरो कौन है? पता नहीं, देखता हूं। अरे भाभी, अरे घबराओ मत, ये तो आकाश भाई के परिवार वाले हैं। आप सब हमें यहाँ लेने आए? लेकिन ये लोग कौन है? पापा, मम्मी, विशाल भैया, भाभी, रिहान, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़ो उन्हें, मैं पकड़े से। मानता नहीं, नहीं, आगे बताना, वहीं रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम है। राज नहीं बताया तो काट तो सबको। पंडित की बात और मेरा शक सही निकला, अश्लेषा नक्षत्र आने वाला है नागरानी। मान्यता, चोट तो नहीं लगी ना नागरानी या बहुरानी? क्या कहूं मैं तुम्हें, नागरानी तो नहीं कह सकती, तुम नागवंश की राजकुमारी हुआ करती थी, पर तुमने इस केशव, एक इंसान से प्यार करके अपने पूरे नागवंश की नाक कटा दी। चौंक गई कि ये बात मेरे कानों तक कैसे पहुंची? वो पंडित जी जिन्होंने तुम्हारी शादी करवाई थी ना, उन्होंने मुझे इस बात की खबर दी, इसकी भी और तुम्हारे माँ के दिए हुए श्राप की भी, कि आज वही दिन है, वही पहर है, जब चांद अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में आके राहु केतु के साथ घिर गया है। देख क्या रहे हो, मार डालो सबको। भागने दो से, उसका वहां जाना मतलब अपनी मौत को और दर्दनाक बनाना है। अब वही मारेंगे उसे,
उसी स्वयं भूलाल टेकड़ी मंदिर के सामने। हे भोलेनाथ, आपके स्वयंभू मंदिर ने हमेशा से ही मुझ पे कृपा की, आज भी मुझ पे दया करो प्रभु, मेरी बच्ची को बचा लो प्रभु। रुक जाइए, यहाँ आप इस तरह से अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि ये भोलेनाथ के अभिषेक का समय है। अरे पंडित जी, आप भोलेनाथ का टाइम टेबल क्यों बता रहे हैं? मंदिर में इसकी जगह नहीं है। ये इसकी उसकी छोड़ो, उसकी बताओ। बहुत खतरनाक औरत है, इच्छाधारी नागिन है वो, जिसे हमें मारना है। नहीं, ऐसा अनर्थ इस मंदिर के अंदर कभी नहीं होगा। वैसे मुझे पता नहीं आप किसकी बात कर रही हैं, किंतु यदि सचमुच यहाँ पर कोई इच्छाधारी नागिन है तो भोलेनाथ के इस मंदिर में उसे कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता। अरे यार पंडित, तुम्हारे ये भोलेनाथ जी बार बार बीच में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये उनका स्वयंभू मंदिर है, और ये जो है ये सब इस मंदिर के रक्षक हैं। और याद रखो, जो कोई नागों को या उनके बच्चों को मारता है उस पे अश्लेषा नक्षत्र भारी होता है, उनकी आने वाली 3 पीढ़ियां इस दोष से पीड़ित होती है। दीदी, क्या हमारे बच्चों पे अश्लेषा नक्षत्र भारी पड़ जाएगा? क्या शिव जी की 3री आँख हम पे खुल जाएगी? आँख को छोड़ो और अपना मुँह बंद रखो, पता नहीं वो नागिन कहाँ चली गयी है। वो रही, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। क्यों भाग रही हो? मौत से कोई बच पाया है? मैं तुम लोगों के हाथ नहीं आऊंगी। बच्ची दे हमें, बच्ची दे, बच्ची दो हमें, अरे बच्ची दे, बच्ची दे, नहीं दूंगी मैं बच्ची तुम सबको। और सुन लो तुम सब लोग, चुन चुन के मारूंगी मैं तुम सबको, तुम सबको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। याद रखना, मैं एक नागिन हूँ, नागिन हूँ मैं। एक एक से बदला लेकर होगी मैं, सुना तुम सबने? एक एक से बदला लेकर होगी मैं, एक एक से बदला लूंगी। बच गई क्या? हाँ मुझे लगता है बच गई होगी। भाभी मजाक कर रही थी, आप भी कैसे सवाल पूछती है, यहाँ से अगर कोई गिरेगा तो बचेगा क्या? मैं नागिन हूँ नागिन, चिल्लाने से क्या होता है, इस मान्यता की तो सुपर पावर्स भी नहीं। इसलिए वो गिर गई, डूब गई, मर गई, पर मुझे उसकी लाश नहीं दिख रही। अरे भाभी, ये लाश नहीं, कैश गिनने का वक्त। Exactly. नाना भाई और उस केशव के मरने के बाद सब कुछ आकाश भाई का तो है, और नाना भाई ने ऐसी विल लिख के अपनी दरिया दिली दिखा दी है, और उसकी बहू ने दरिया में कूद दी। इसका फोन, आकाश भैया का फोन। आकाश, आकाश तुमने तुमने केशव भाई की फैमिली को कहाँ छोड़ा? तुम्हें पता है लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया, कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गया। हे भगवान, सब खत्म हो गया आकाश। वाह भाभी वाह। तो भी। अरे कोई सूखा कपड़ा है क्या? ये लो, बच्ची को जल्दी से इसमें लपेट दो, वरना बच्ची बीमार पड़ जाएगी। हाँ।
बच्ची चलो, हाँ, हाँ, चलो, 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 चलो। कुछ नहीं होगा इसे, कुछ नहीं होगा इसे। तूफानों की आदत बढ़ने दो इसे, लड़ने दो हालातों से, क्योंकि जो लड़ाई ये 25 साल बाद लड़ेगी उसके लिए आज इसी वक्त से तैयार होगी ये, इसीलिए जन्मी है ये, अपने माँ का बदला पूरा करेगी ये। उन सब ने मुझसे वो छीना जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अब ये उनसे वो छीनेगी जिससे वो सब लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उन सब के बीच रहेगी पर उनकी आंखों में धूल झोंकेगी, बदला लेगी ये और आज से ये कहलाएगी नैन तारा। 25 साल बाद जब नक्षत्र बदलेंगे और ये श्राप खत्म होगा तब मुझे मेरी नागिन की शक्तियां और तेरा इंतकाम शुरू होगा। नैन तारा, तुझे उस घर में जाना है, बहू बनकर अपने पिता का इंतकाम लेना है। तुझे बनना है नागरानी की बेटी, तुझे बनना है नागिन, क्योंकि नागिन अपना इंतकाम कभी नहीं भूलती। अरे आप लोग खेल क्यों रहे हो? मॉम डैड आप कर क्या रहे हैं? देख जब तू रेडी होगा ना हमको बता देना, ऐसे बोलना चीज ताकि हमको पता चले। अरे यार दिस इज टू मच। चलना हार्दिक रे। मॉम प्लीज यार, हार्दिक में एक ऑलरेडी लगा हुआ है, दूसरा डीकरा लगाने की क्या जरूरत है? तू मेरा छोकरा है हार्दिक, तो हार्दिक रहा। तू एक काम कर, रो मत, मुझे कैमरा दे दे, मैं लीली मिली से खिंचवा दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं खींच रहा ना। रुको, क्या हुआ? क्या हुआ वैशाली दीदी, क्या हुआ? वो अपनी लड़कियों से पूछो, बिगड़ती जा रही है, आसमान में उड़ती रहती है, नीचे देखो रंगोली बिगड़ गई। सॉरी, तो सॉरी। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? प्रोटीन शेक। वैशाली मम्मी, एक्चुअली ना हम लोगों ने नया डाइट प्लान स्टार्ट किया है ना, तो इसमें हम सबके लिए प्रोटीन शेक है। हाँ तो तुम इसको जाके रखो ना। और सुनो, बड़ी वाली बॉटल मेरी है। ओके, पहले सब जाओ और तैयार हो जाओ, हम सबको निकलना है। जी, हाँ हाँ, जल्दी जाके तैयार हो, जल्दी जल्दी, आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत खास दिन है ना। सच में? वाह, अरे आप यहाँ क्या कर रही हो? कमरे में होना चाहिए था ना, आराम करना चाहिए था, बाहर निकल आए। अरे इतने शोरगुल में आराम कहाँ। लिली बिली। यस बा। मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है? बा, हैप्पी रिलैक्सेशन। क्या ना बा, आपको यहाँ पे खाने पीने और सोने के अलावा काम ही क्या है? हाँ यार, बट मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं ये सब करना शुरू कर दूंगी तो मेरी फिगर मेंटेन कैसी होगी? ओके ओके ओके, बस बस बस, चलो कम ऑन, हम लोग को जाके पूजा की सामग्री लेनी है, कम ऑन, गो गो गो, बाय बाय। मुझे बताओ ये सब चल क्या रहा है? वाह, ज़बान चल रही थी लड़कियों की, देखा नहीं आपने कैसा पटपट पटपट बोलकर चली गई आपको? और केत की भाभी, आप तो अच्छी तरह जानती है उन्हें, कैसे संस्कार दिए अपने बच्चों को। और दूसरी तरफ मेरा मानस, आप तो उसे कितनी अच्छी तरह जानती है ना, कितना सीधा और सच्चा बच्चा है, बिल्कुल ममाज बॉय, मेरी तरह है ना। ओ बेबी, मानस लव्स यू, तीसरी बार भी यही बोला था कसम से। हाँ, कॉल रिकॉर्डर है ना, मैं अभी भेजता हूँ रिकॉर्डिंग। संभाल के भेजना भाई, कहीं वैसे वाली रिकॉर्डिंग चली गई ना तो पोल खुल जाएगी और ममाज बॉय का प्लेबॉय बाहर आ जाएगा। अच्छा गाइस, बैग रख दे गाड़ी में, चलें। चल 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 चल, यार मेन माल तो आया ही नहीं, क्या बात कर रहा है। चल 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 चल, मानस बाल बाल बच के हमें पकड़े जाते, नहीं तो अंदर। अच्छा वो तो मैं थी, नहीं तो आज तुम दोनों मरते। अरे
पर ये वृंदा दिखाई नहीं दे रही है। वृंदा कुछ काम कर रही होगी बा। आज इतनी तैयारियां जो करनी है, आज का दिन कितना खास है। बताए सबको मुझे बर्थडे सरप्राइज देना है। हेलो, क्या हुआ इरावती? केतकी दीदी, मैं आपके पास ही आ रही थी। आपको पता है ख्याति ने बासे क्या कहा? क्या? कि उसके बच्चे आपके बच्चों से बेटर है, उनको ज्यादा अच्छे संस्कार मिले। लगता है भूल गई 25 साल पहले उसने क्या किया था। जैसे पता चला कि हम लोग अमीर बनने वाले हैं, बोरिया बिस्तरा पैक किया, गरीब पति को लात मारा, बच्चे उठा के यहाँ धमक पड़ी। Exactly. और हमने आज तक शिकायत नहीं की। अच्छा, तो मैंने शिकायत का मौका भी तो नहीं दिया ना भाभी। और जहाँ तक रही बात पैसों की, तो आज मेरा मानस ये जो हम सबकी लॉटरी लगा रहा है, क्योंकि दिखाने के लिए हमारे पास नाना भाई का छोड़ा हुआ सब कुछ है, पर सच तो ये है कि हम कर्ज में डूबे हैं। इतनी पैसे वाली बीवी इस पारी खानदान में लेकर आ रहा है ना, जो मेरे रसिक भाई और माधो भाई भी लेकर नहीं आ पाए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं बा, जैसे कि अर्श देना, तू मुझे सच सच बता, तुम लोग ये सब क्या छुपा रहे हो? सरप्राइज है। सरप्राइज बस अभी आपको नहीं बता सकते। चलो गाइस, चलो इन्हें याद है क्या? हर साल तो याद नहीं रहता है। क्या पता इस बार मेरे देव ने फोन किया हो। बस मेरे देव और वृंदा दोनों ही है जिनको मेरा जन्मदिन याद रहता है। Get me Rohan! देव भाई कहाँ गायब हो गए हो यार? देव सर, this is the plan for a new convention center in Doha. Dev, come on bro, pick up the phone bro, please. Dev. भाई, 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 I'm dying भाई, मैं literally मर रहा हूँ भाई, please बचा ले यार। I know मेरी गलती थी, मैंने कसीनो में पैसे उधार दिए, but it was a good game. कहाँ है तू? मौत के मुंह में भाई, बॉक्सिंग अरीना में यार, और I swear ये गोरी चमड़ी वाला ना मेरी चमड़ी उधेड़ देगा भाई, please बचा ले यार। No ways. इस प्रपोजल में अगले 5 साल के लिए कोई प्रोजेक्शन नहीं है। मुझे प्रॉब्लम्स को टालना नहीं, उन्हें जड़ से मिटाना पसंद है। रसिक भाई, इसमें लाल चंदन लिखा है, वो कहाँ है? कुशा की घास भी नहीं है। भाभी, सब टेंशन मत लीजिए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस हादसे को 25 साल हो चुके हैं। अभी 25 साल पूरे नहीं हुए। अगर उस दिन वो नागिन और उसकी बेटी बच गए होंगे, तो आज से ठीक 2 दिन बाद वो लड़की पूरे 25 साल की हो जाएगी। ऊपर से आज चांद आश्लेषा नक्षत्र में। आपको याद है 25 साल पहले हमें उस नागिन को लाल टेकड़ी मंदिर के पास मारना था, पर वो नहीं हो पाया। तो क्या हुआ भाभी, आप बेकार में फिक्र कर रही है। इतने सालों से हमें कुछ नहीं हुआ है, सब सलामत है ना यहाँ पर, अब अचानक से किसी का क्या बुरा हुआ? देव, देव कहाँ है? कहाँ होगा भाभी, कतर में रोहन के साथ। आप ही ने तो भेजा था 12 साल पहले। अश्लेषा नक्षत्र, नाग नागिन और न जाने किन किन के डर से आपने उसे देश के बाहर बिठा के रखा होगा। देख, मेरा भाई आएगा और तू बहुत मार खाएगा। मेरा भाई आएगा, अब तू गया साले, बहुत मारा मेरे को इसने, इसके मारते भाई मैं, तू देख अब। How much does he owe you? $20,000. $20,000. Was he betting? Yes. Bro, bro, ऐसा कुछ नहीं है, normal gambling. But thanks आप मुझे बचाने आ गए। $20,000. जुआ खेलता है? जुआ मत, बुरा अच्छा नहीं लगता। खेलने में लगता है? नहीं अच्छा लगता, बहुत बुरा लगता है। What are you doing, यार? आप मेरे बड़े भाई हो,
उसको मारना चाहिए, मेरे को क्यों मार रहे हो? मैंने उसको बोला कि मेरा बड़ा भाई आएगा, मेरा बड़ा भाई आएगा। तेरा करण या अर्जुन हूं मैं, जब तू बुलाएगा तब आ जाऊंगा। पहले हारता है फिर मार भी खाता है। स्टूपिड बॉय। $20,000, टेक इट। तुम्हारा और इसका हिसाब बराबर। No, it's not a win. ये तो सिर्फ हिसाब बराबर किया, क्योंकि देव पारेख कभी भी किसी का उधार नहीं रखता, सूद समेत वापस करता है। Now this is my winning fee. I've earned it. अरे ये पंडित जी अब तक क्यों नहीं आए? 2 मिनट लग गए आउट हाउस से यहाँ आने के लिए। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। अच्छा बेटा सुन, बेटा वृंदा नहीं दिखाई दे रही है, हर रोज तो सुबह सुबह आ जाती है मेरी दवाइयाँ लेके, पर आज कहीं भी नहीं है। अरे बा वो तैयारियों में लगी होगी, वो मंदिर जाना है ना हवन के लिए। अच्छा बेटा सुन, ये हवन किसके लिए है? जय श्री कृष्ण बा। आपको बताया तो था ना, देव को अश्लेषा नक्षत्र के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए अश्लेषा नक्षत्र बल पूजा रखी है। अच्छा बस ये सब उसके लिए है बा? बस मतलब देव की सलामती आपको बड़ी बात नहीं लगती? नहीं नहीं बहू, तू मेरा मतलब समझी नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग मेरे। लो देव की बात कर रहे हैं, देव का ही फोन आया। एक मिनट। हाँ देव बोलो। क्या किया तूने? मैंने लाइक सीरियसली। एक मिनट, तुम दोनों कार में हो, कहाँ जा रहे हो? जा नहीं रहे, आ रहे हैं हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल? सब ठीक है ना? देव ठीक है ना? कमाल है यार, पिटा मैं हूँ और हाल इसका पूछ रहे हो। देव अब क्यों मारा इसे? क्योंकि ये वहाँ गोरों से फाइट कर रहा था, यू नो ही वाज बेटिंग। तुम लोगों को जितनी गुंडागर्दी करनी है, जितनी लड़ाइयाँ करनी है कर लो, बस कतर से बाहर मत निकलना। तुझे तो बहुत ज्यादा लगा, ये सब कैसे? अबे पूछ मत भाई, कहाँ लगी है। Oh crap! Look at your face, bro. तेरी तो face value गई। Shut up, boy. I'm still so hot. एक बार इंडिया आने दे, फिर तुझे दिखाता हूँ मैं। इंडिया आने की बात मत करना। और रोहन, उसे कितनी बार कहा है? अश्लेषा नक्षत्र को मजाक में मत लिया करो। तुम्हारे भाई को इससे खतरा है। फौरन घर लौट जाओ। या मॉम, हम यूटर्न ही मार रहे हैं। पर पहले मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बात तो करने दो, थोड़ी लाइन तो मारने दो। देखो कैसे चुपचाप आपके पीछे बैठी हुई है। हैप्पी बर्थडे बा। हैप्पी बर्थडे बा। हे स्वीटहार्ट, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? यंगर राइट? बेटा तुझे याद था? आई नो बा, सबने वहां पर आपको मुझसे पहले ही विश कर दिया होगा राइट? बट यू नो ना, आई लव यू द मोस्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ba. Happy birthday to you. ये कौन है? Happy birthday my dear Ba. तुझे याद था बेटा? बस एक तू और मेरा देव, दोनों ही है जिसे मेरा बर्थडे याद था। इनको बा के जन्मदिन की पड़ी है पर मुझे सिर्फ अश्लेषा बल पूजा की फिक्र है, वो हो जाएगी तो मेरे देव पे आने वाली आफत टल जाएगी।